नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सदियों से दही हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम में से ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलने से पहले या कोई भी शुभ काम करने से पहले एक चम्मच दही चीनी खाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमें उस काम में सक्सेस जरूर मिलती है। दोस्तों, दही एक बहुत ही किफायती फूड आइटम होता है जो पूरे साल मिलता है, और दोस्तों ये पारंपरिक दूध उत्पाद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा किण्वित या फर्मेंट किया हुआ उत्पाद होता है जो कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि से भरपूर होता है। दोस्तों, दही आमतौर पर गाय, भैंस या बकरी के दूध से तैयार की जाती है, जहां एक चम्मच पुराने दही के जामन को गुनगुने गर्म दूध में डालकर उसे रूम टेम्परेचर पर जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, दही को संस्कृत में दधि और इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है। और दोस्तों, अमेरिका में जो योगर्ट मिलता है वो एक्चुअल में दूध में एक एसिडिक एजेंट जैसे कि नींबू का जूस आदि डालकर तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम पनीर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिकन योगर्ट और इंडियन दही दोनों काफी अलग होते हैं, जबकि इनका स्वरूप और स्वाद काफी हद तक सेम ही होता है। दोस्तों, आप दही को कितनी देर के लिए जमने या फर्मेंट होने के लिए रखते हैं उसके आधार पर ये मेनली तीन टाइप्स की होती हैं। मीठी दही जो बलगम, कफ और फैट को बहुत बढ़ाती है, खट्टी दही जो पित्त और कफ दोषों में असंतुलन पैदा करती है, और तीसरी बहुत ज्यादा खट्टी दही जो हमारे खून में गड़बड़ी पैदा करती है। दोस्तों, इसीलिए दही का सेवन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जब आप दही को एक सही तरीके से, एक सही समय पर और एक सही कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, वैसे तो हम दही कई तरह के दूध से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़ आदि के दूध से, लेकिन आयुर्वेदिकली गाय के दूध से तैयार की गई दही ही हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होती है। दही के औषधीय गुण। दोस्तों, सुश्रुत संहिता के अनुसार दही स्वाद में खट्टी, गुण में ग्राही, अर्थात हमारी आंतों से पानी को एब्जॉर्ब करती है, और इसीलिए इसका दस्त और पेचिश आदि के इलाज में इतना ज्यादा यूज किया जाता है, और गुरु या भारी होती है। ये विपक में या पचने के बाद और भी खट्टी हो जाती है, और ये वात दोष को शांत लेकिन पित्त और कफ दोष को बढ़ाती है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली दही हम में मोटापे, हमारी कामेच्छा शक्ति, खून और हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाती है। खट्टी दही हम में सूजन या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। दही भूख की कमी या एनोरेक्सिया को भी ठीक करती है, लेकिन जब इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है तो ये हम में भारीपन का कारण बनती है और कब्ज भी पैदा कर सकती है। दही बुखार जैसे कि शीत ज्वर, विषम ज्वर, राइनाइटिस, डिस्यूरिया या पेशाब संबंधी समस्याओं आदि का भी इलाज करती है, और क्रीमलेस दही इरिटेबल बावल सिंड्रोम या IBS में भी बहुत उपयोगी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम दही से किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। एक अच्छे डाइजेशन के लिए दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार दही पेट की समस्याओं के लिए एक रामबाण औषधि होती है। साइंटिफिकली भी दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम हमारे पाचन तंत्र के कामकाज में सुधार और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कब्ज का भी इलाज करते हैं। पेट की गर्मी या पेट में जलन से राहत पाने के लिए आप प्लेन दही खा सकते हैं या फिर दही से बनी लस्सी पी सकते हैं। और दोस्तों, दस्त होने पर दही चावल खाना एक बेस्ट घरेलू नुस्खा होता है दिल की सेहत के लिए। दोस्तों, हर रोज दही खाने से ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और BP को भी कम या मेंटेन और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करती है। दोस्तों, इस तरह ये हाई BP या उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करती है और आपके हार्ट को भी हेल्दी रखती है। वजन घटाने के लिए दोस्तों, दही खाने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, और इस तरह ये हमारी जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत को भी कम करती है। और दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर दही हमारी बॉडी में कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन के प्रोडक्शन को भी कम करती है, जो वजन बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाता है, और इस तरह ये वजन कम करने में भी बहुत मदद करती है। दही हमारे दांतों और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन्स, पोटेशियम और विटामिन डी से भरपूर दही हमारी बोन डेंसिटी में भी सुधार करती है, हम में फ्रैक्चर्स या हड्डी के टूटने के खतरे को भी कम करती है, और आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को भी होने से रोकती है। दोस्तों, इस तरह ये हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत और हेल्दी बनाती है, इसीलिए हर रोज दही खाने की कोशिश करें। मुंह में छालों के लिए दोस्तों, दही एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मुंह के छालों का भी इलाज करती है। इसके लिए आप दही को शहद में मिलाकर अपने छालों पर लगाएं या फिर अपने खाने में दही को शामिल करें।
एक स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों, दही प्रोबायोटिक्स के सबसे बेस्ट सोर्सेज में से एक होती है, जिसमें बहुत ही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाते हैं और इस तरह ये हम में कई इन्फेक्शन को होने से भी रोकते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या ओवरऑल इम्यूनिटी में भी सुधार करते हैं। दही मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक आदि से भी भरपूर होती है, जो हमारे इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं। एक खूबसूरत त्वचा के लिए, दोस्तों, एक साफ गोरी और निखरी त्वचा के लिए आप दही, नींबू के जूस और बेसन को मिलाकर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों, दही एक ब्लीच के रूप में भी काम करती है और इसीलिए ये आपको एक गोरा रंग प्रदान करती है। इसमें विटामिन ए, फास्फोरस और जिंक का होना आपको एक ग्लोइंग स्किन प्रदान करता है। इसके लिए आप दही को बेसन में मिलाकर इसे एक फेस पैक की तरह अपने चेहरे पर लगाएं, इसे 10 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, ये पैक आपकी फेस और बॉडी की स्किन को फिर से जवान बनाने के लिए बेस्ट होता है और ये बॉडी से आने वाली बदबू का भी इलाज करता है। ऑयली स्किन वाले लोग दही को शहद के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो संतरे के छिलके के पाउडर को थोड़ी सी दही में मिलाकर इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर मसाज करते हुए लगाएं, जो एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर होता है और हमारे स्किन पोर्स या छिद्रों को साफ करता है और इस तरह ये पिंपल्स आदि को भी होने से रोकता है। सुंदर बालों के लिए, दोस्तों, सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की बालों के लिए आप थोड़े से दही को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर अपने सिर और बालों पर लगाएं, इसे 15 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर धो लें, जो बालों के झड़ने को रोकता है। दही के एंटी फंगल गुण रूसी की समस्या और रूसी से संबंधित बालों के झड़ने का भी इलाज करते हैं। इसके लिए आप अपने मेहंदी पैक में खट्टी दही मिलाएं या फिर इसे डायरेक्टली अपने बालों पर लगाएं। आप ऐसा सप्ताह में एक बार करें। दोस्तों, दही एक नेचुरल हेयर कंडीशनर भी होता है। इसके लिए आप मूंग दाल के पाउडर में दही मिलाकर अपने सिर पर लगाएं और एक घंटे बाद इसे धो लें। ये बालों के झड़ने और रूसी को भी होने से रोकता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। योनि के स्वास्थ्य के लिए, दोस्तों, दही का नियमित सेवन महिलाओं की योनि के पीएच को संतुलित करता है और उसकी हेल्थ में भी सुधार करता है। डायबिटीज के लिए, दोस्तों, दही का लाइव एक्टिव कल्चर और आसानी से पचने वाला प्रोटीन हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। एनर्जी के लिए, दोस्तों, दही विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर होता है। सावधानियां, दोस्तों, आपको हमेशा पूरी तरह से जमी हुई दही ही खानी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से ना जमी हुई दही खाने से आपको दाद, सोरायसिस, ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोरॉइड्स और IBS आदि हो सकते हैं। दोस्तों, आप दही को कभी भी अकेले ना खाएं, बल्कि इसे हमेशा सेंधा नमक, काली मिर्च, घी, चीनी या गुड़, मूंग दाल, आंवला, शहद या त्रिफला आदि के साथ मिक्स करके ही खाएं। दोस्तों, दही का कभी भी रात में सेवन ना करें, क्योंकि रात में हमारी बॉडी में कफ दोष सबसे ज्यादा डोमिनेंट या प्रबल होता है और हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है। और दोस्तों, इसीलिए रात में दही खाने से हमारे डाइजेस्टिव चैनल्स ब्लॉक होते हैं। गैस्ट्राइटिस होने पर खट्टी, प्रोसेस्ड या मीठी दही के सेवन से बचें। दोस्तों, इसके अलावा आयुर्वेदिकली भादों के महीने में कुछ भी फर्मेंटेड खाने से पित्त दोष बढ़ता है और इसीलिए आप भादों में दही खाने से बचें या इसे कम खाएं। और दोस्तों, आयुर्वेदिकली हमें दही कभी भी उसके ऑपोजिट फूड्स या विरुद्ध आहारों जैसे कि प्याज, आम, मछली, दूध, उड़द दाल और तेलीय खाद्य पदार्थों आदि के साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे हमें स्किन एलर्जीज, शरीर में विषाक्त पदार्थों या टॉक्सिन्स का जमा होना, लाल चकते, एक्जिमा, सोरायसिस, अपच, दस्त, एसिडिटी, गैस, पेट फूलना और सुस्ती आदि हो सकते हैं। दोस्तों, दही को कभी भी गर्म ना करें, क्योंकि गर्म करने से इसके लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम में बुखार, रक्तस्राव, विकार, एरिसिपेलस, कुष्ठ रोग, अनीमिया, चक्कर आना और पीलिया आदि जैसे रोग हो सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग मोटापे, कफ या रक्तस्राव विकारों और सूजन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस से पीड़ित हों, उन्हें भी दही के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, खट्टी दही पित्त दोष को बढ़ाती है, जिससे नींद में गड़बड़ी और पाचन संबंधी विकार होते हैं और ये सिर दर्द को भी बढ़ाती है। और दोस्तों, लास्ट में, अगर आप लंबे समय से सर्दी से पीड़ित हैं या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, तो भी आपको दही के सेवन से बचना चाहिए।
दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको इस अति गुणकारी दही के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।